हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो है छोटे बच्चों के लिए वर्णमाला याद करवाने का सबसे आसान तरीका और अक्षर लिखने का भी सबसे आसान तरीका। बच्चों को वर्णमाला कैसे पहचान करवाएं, कैसे स्टडी में इंटरेस्ट बनाएं, ब्रेन बूस्टिंग के लिए भी देखिए मिलान करो। ऐसे ए को आम के आम से आ के आम को, ई की इमली से ई की इमली को, बड़े ई से ई को ड्राइंग करनी है। स्केच पेन लेंगे और एक एक्स्ट्रा नोटबुक होनी चाहिए और फिर हम चित्र बनाएंगे तो बॉक्स बच्चे के लिए खाली छोड़ देंगे, बॉक्स में बच्चा लिखेगा। एंड इसी तरीके से फिर सही चित्र देखकर गोला लगाओ, चित्र बनाएंगे, सही चित्र देखकर बच्चा गोला लगाएगा। एंड फिर क्या करना है, फिर देखिए स्वर स्वर ढूंढने हैं और गोला लगाना है। देखिए इस तरीके से फर्स्ट लाइन से स्वर, फिर इस लाइन से आप चाहे तो इसमें कलर भी कर सकते हैं कोई और तरह का कलर, और फिर गोला लगाइए या फिर आप किसी कोई और शेप दे सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर ये क्लाउड शेप दिया, आप ट्री की शेप दे सकते हैं, आइसक्रीम शेप दे सकते हैं, मैंगो शेप दे सकते हैं इस तरीके से। और फिर क्या है, ये व्यंजन पर गोला लगाओ इस तरीके से। बार बार प्रैक्टिस करवानी है बच्चे को, बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर व्यंजन पर गोला, इस लाइन में क्या व्यंजन है, इस लाइन में कौन से व्यंजन है, व्यंजन पर गोला लगाएगा। एक दो बार बच्चे को दिक्कत आएगी, आप साथ में बैठेंगे तो बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी। एंड देन फिर हमें क्या करना है, वर्णमाला के लिए ए पर गोला लगाओ, ए ए, और फिर ऊ पर गोला लगाओ, सभी में हम ऊ लिख देंगे। और फिर स्वर का स्वर से मिलान करो और चित्र में रंग भरो। हम अगर रंग भरो साथ के साथ करवाते रहें तो बच्चे का इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। फिर सही स्वर पर गोला लगाओ, देखिए यहाँ पर हम एक अनार है तो एक अनार पर गोला लगाएंगे इस तरीके से। और फिर रंग भरो, फिर चित्र बनाएंगे और गोला लगवाएंगे बच्चे से, और बच्चे की साथ में हेल्प करेंगे हम। अगर आप चाहें तो इनमें कलर भी फिल कर सकते हैं। एंड एक्स्ट्रा नोटबुक लेना मत भूलना, और स्केच का यूज करेंगे घर में तो और भी अच्छा रहेगा। स्वर का चित्र से मिलान करना है, फिर चित्र से मिलान करना है, और चित्र देख कर अक्षर लिखना है। ऊ से ऊन, फिर अंकी अंगूर, ऐ से ऐनक। एंड देन नेक्स्ट देखिए, अलग ढूंढो और गोला लगाओ, ए ए ए ई, तो ये अलग है, यहाँ पर आ आ है, ऊ अलग है, यहाँ पर देखिए ई बड़ी ई की मात्रा अलग है। इस तरीके से सही चित्र में रंग भरो। ऐसे अनार है ये, तो अनार में रंग भरेंगे। आ से आम है तो ये आ के आम में रंग भरेंगे हम। सही चित्र पहचान कर अक्षर पर गोला लगाओ, देखिए इस तरीके से ऐनक लिखा और गोला लगाया इस तरीके से। एंड देन फिर हमें क्या करना है, क्रम से मिलाओ, ए के बाद आ ई ई, ऊ बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ औ अंग ए, और फिर ये डॉट डॉट बनाने हैं और फिर ऐसे लिखना है। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए आ ई ऊ ए ऐ ओ, इस तरीके से मिला सकते हैं, फिर गोला लगाना है। एंड नेक्स्ट फिर क्या है।